Hi my class, I am Vitu Kumar from KV Umaria. Today class 3 subject EVS, water of water, this is point and this is also part number 3. In first part we discussed meaning of this point. पहले पार्ट में इस पॉइंट का हमने मीनिंग किया. इन सेकेंड पार्ट वी डिस्कस अबाउट फॉर्म्स यूजेज सोर्सेज ऑफ वॉटर. ठीक है कि वॉटर कौन कौन सी फॉर्म्स है और फॉर्म्स में होता है, यूजेज क्या है इसके और सोर्सेज यानी कि कहाँ से वॉटर मिलता है, ये हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था. सो इन दिस वीडियो वी आर कम्प्लीट पेज नंबर 20 and 21. So you open your book and page number 20. Let's see. First question is, do you know any poem or song on water? Recite it in the class. कि आपको water के बारे में कोई poem या song याद है या जानते हो तो उसको recite करना है, गाकर देखना है, जो आप बड़ी easy कर सकते हो. हमने ये भी poem की है, पहले भी आपने English में या 1-2 के अंदर कोई poem की होगी. सेकेंड इज, सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, विच आर द प्लेसेज मेंशन इन द पोइम वेयर वी फाइंड वॉटर. कि पोइम में कौन कौन से प्लेसेज हमने पढ़े हैं जहां से हमें वॉटर फाइंड होता है, वॉटर मिलता है. हमने सेकेंड वीडियो में भी किया था बेटा, सोर्सेज ऑफ वॉटर पोइम में भी आए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? आंसर नंबर सेकेंड मैंने लिखा हुआ है बेटा, रिवर्स, वॉटरफॉल, लेक्स, पॉन्ड्स, सी, इसमें स्प्रिंग भी आया हुआ है, ओशियन से भी मिलता है. ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, प्लेसेज है जहां पर हमें वॉटर मिलता है, तो ये आप लिख सकते हो आंसर में. थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, टिक द राइट द एक्टिविटीज फॉर विच वॉटर इज नीडेड. कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हमें करने में पानी का यूज, वॉटर का यूज करना पड़ता है. देखिए, टू प्ले खेलते वक्त पानी की जरूरत होती है, राइट टिक कर दीजिए, टू सिंग गाने के लिए प्यास लग जाती है तो पानी पीना पड़ता है, तो इसके लिए भी टिक कर दीजिए. टू रो ए बोट, ठीक है कि बोट को चलाने में, बोट में भी हमें जरूरत होती है, यदि चलाने की बात आती है तो जरूरत होती है, और सीधी बोट खड़ी है तो उसमें जरूरत नहीं है तो आप क्रॉस कर सकते हो, और टिक चलाने की बात है तो टिक कर देना. ठीक है, राइट कर देना. आगे है टू राइट, लिखने में वॉटर का यूज होता है, नहीं होता तो ये क्रॉस कर दिया बेटा. टू मेक टी, टी बनाने में यूज होता है, पानी यूज करते हैं टी बनाने में, तो टिक कर दो. टू नीड डो, टू नीड डो, नीड का मीन होता है बेटा गूंथना. ठीक है, और डो का मतलब होता है आटा. टू नीड डो का मतलब आटा गूंथना. आटे गूंथने में हम पानी का यूज करते हैं, वॉटर का यूज करते हैं, तो क्या कर देंगे, राइट टिक कर देंगे. टू रन अ फैन, फैन चलाने में यूज नहीं होता तो क्रॉस कर दिया हमने. टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स को पेंट करने में, ठीक है पेंट बनाते हैं तो उसमें वॉटर का यूज करते हैं ना, तो आप राइट टिक कर सकते हो. पेंटर पानी का यूज नहीं करता बेटा, वो कोई ऑयल होता है वो मिक्स करता है. ठीक है, टू ग्रो प्लांट, टू ग्रो प्लांट, प्लांट को ग्रो करने में भी वॉटर का यूज होता है, तो इसको हम राइट टिक कर दें. ओके, आगे देखिए बेटा, नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच, हमें फोर एक्टिविटीज बतानी है विच यू कैन डू विदाउट वॉटर. ऐसी फोर एक्टिविटीज हमें बतानी है जिसको हम बिना पानी यूज किए ही कर सकते हैं. कौन कौन सी बेटा, कौन कौन सी हो सकती है? डांस, डांस में जरूर मैं मानता हूँ प्यास लगती है, पर एक आधे गाने में हम आराम से डांस नॉर्मल बिना पानी के कर सकते हैं. स्पीकिंग, बोलने में भी इतना पानी की यूज नहीं होती. राइटिंग, लिखने में भी. लिसनिंग, सुनने में भी पानी का यूज नहीं होता, ये एक्टिविटी हम बिना पानी के कर सकते हैं. फिर क्या है बेटा, यू कैन नॉट डू विदाउट वॉटर. कौन सी फोर एक्टिविटीज है, ठीक है कौन सी जो फोर एक्टिविटीज हमें बतानी है जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते. ठीक है, उसमें तो पानी के बिना कर सकते हैं, डांस भी, राइटिंग, लिसनिंग, पानी के बिना भी कर सकते हैं, पर कौन सी एक्टिविटीज है जो पानी के बिना हम नहीं कर सकते? कौन सी? मेक टी, चाय बनानी पानी के बिना नहीं बना सकते, तो मेक टी. कुक फूड, फूड बनाने में पानी का यूज होता है, वॉटर का यूज होता है,
तो वोटर के बिना हम फूड कुक नहीं कर सकते। वॉश क्लोथ्स, क्लीन द हाउस, यानी कि इन चार एक्टिविटीज में और भी बहुत सारी हो सकती है बेटा, ठीक है, बहुत सारी और एक्टिविटीज हमारी और हो सकती है, टू ग्रो प्लांट, ठीक है, और जैसे क्लीन द हाउस तो हमने ये पढ़ लिया। तो ये चीजें होती है जिसमें जिन एक्टिविटीज को हम पानी के बिना नहीं कर सकते, तो वो फोर एक्टिविटीज हमें बतानी है। पहले में बतानी थी बेटा कि पानी के बिना जो एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे में बतानी है कि पानी के बिना जो एक्टिविटी नहीं कर सकते वो बात, ठीक है। आगे वाला देखिए बेटा, आगे नीचे आपको एक कुछ दिया हुआ है, वॉटर मोर और लेस, वॉटर मोर और लेस पढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ एक्टिविटीज। बिगिन विद द एक्टिविटी द नीड्स द मोस्ट वॉटर। हमें नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई है बेटा, ठीक है, पांच तरह की चीजें लिखी हुई है, टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वॉटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। इन पांचों एक्टिविटी को हमने उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि पहले सबसे ज्यादा पानी कौन सी एक्टिविटी में यूज होता है, फिर उससे कम कौन सी एक्टिविटी में यूज होता है, फिर उससे कम कौन सी एक्टिविटी में यूज होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीजें करनी है। देखिए सबसे पहले एक नंबर पर क्या आएगा बेटा, टू वॉटर द फील्ड्स, फील्ड को पानी देने में सबसे ज्यादा वॉटर यूज होता है तो ये क्या आएगा, एक नंबर पर आएगा। दूसरा क्या था, टू क्लीन द हाउस, ठीक है, उसके बाद में जो चार एक्टिविटी बच गई थी उसमें मोस्ट ऑफ जो वॉटर यूज होगा वो इस एक्टिविटी में यूज होगा, टू क्लीन द हाउस। फिर तीन एक्टिविटी बच गई है हमारे पास, थ्री एक्टिविटीज में टू पे, ठीक है, कि नहाने के लिए हमें पानी का यूज होगा, टू ड्रिंक, फिर पानी पीने वाला आ जाएगा, टू नीड दैट डो, आटा गूंदने के, ठीक है, यानी कि ये एक्टिविटीज हमें अरेंज करनी है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज करनी है कि मोस्ट वॉटर किसमें यूज हो रहा है, ठीक है, मोस्ट ऑफ वॉटर सबसे पहले टू वॉटर ऑफ द फील्ड्स, फिर फोर एक्टिविटीज हमारे पास बचेगी, फिर किसमें होगा, टू क्लीन द हाउस, फिर थ्री बचेगी टू बेथ, फिर टू बचेगी टू ड्रिंक में वॉटर यूज होगा, और सबसे कम वॉटर किसमें यूज होगा, उन पांचों एक्टिविटी में से, टू नीड द टू। ओके, नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21, वॉटर फ्रॉम वेयर। इन द पॉइंट यू रीड अबाउट रिवर्स, वॉटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। इस फॉर्म में बेटा आपने वॉटरफॉल्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में और स्प्रिंग के बारे में पढ़ा है। वी गेट वॉटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें यहाँ से इन सभी से वॉटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वॉटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है। पुट ए सर्कल राउंड दोज प्लेसेस देट आर आइदर इन यूर हाउस और अराउंड इट। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं बेटा बुक के अंदर, उनमें से आपको सर्कल करना है कि आपके चारों ओर कौन कौन सी चीजें हैं। तो नीचे लेक दिया हुआ है बेटा, वेल दिया हुआ है, ट्यूबवेल दिया हुआ है, पॉन्ड, वॉटरफॉल, हैंडपंप, रिवर, स्ट्रीम, टेप, टैंक, सी, हॉट वॉटर स्प्रिंग। इनमें से जो भी चीजें आपके घर के चारों ओर या आसपास है उन पर आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। आगे देखिए बेटा, हैव यू सीन हॉट वॉटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, कि आपने क्या कभी देखा है कि धरती में से जो पानी आता है वो गर्म आता है, ठीक है, नहीं देखा तो आंसर क्या आ जाएगा उसका, नो आ जाएगा। तो आगे आंसर उसका क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। नेक्स्ट इज बेटा, आगे आपको दे रखा है, डज एनी रिवर्स फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ यस राइट इट्स नेम। क्या आपकी सिटी से या फिर आपके विलेज से कोई रिवर फ्लो कर रही है, जा रही है, ठीक है, जा रही है, तो आप यस लिख दोगे और उसका नाम बता दोगे। और आपके रिवर या विलेज, सिटी या विलेज से कोई रिवर नहीं जा रही, तो आप नो लिख दोगे, ठीक है।
आगे वाला बेटा, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। क्या आप कोई रिवर्स के नेम जानते हो बेटा, उनके आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, जानते होंगे आप कौन कौन सी रिवर्स होंगी। गंगा का नाम सुना होगा आपने, यमुना का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, और गंगा यमुना कृष्णा का नाम सुना होगा, ठीक है, कावेरी का नाम सुना होगा, तो बहुत सारी जो रिवर्स है उनका नाम सुना होगा, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। आगे है बेटा, जो स्टार्स दिए हो बेटा हम उनको कर रहे हैं। तीसरा स्टार देखिए, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम। आप घर में पानी का यूज या पानी कहाँ से मिलता है आपको घर में, ठीक है, आपको घर में पानी कहाँ से मिलता है बेटा। ये सेकंड स्टार था, ये थर्ड स्टार है, पहले बता देता हूँ, ठीक है, इसका आंसर है ये। तो कहाँ से मिलता है, इन द टैप्स। आपको तो टैप से, नल से मिलता है ना, ठीक है, और कहाँ से आता है, थ्रू द पाइपलाइन, पाइपलाइन से टैप्स में आपको मिलता है, नल से मिलता है। आगे वाला है बेटा, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वॉटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वॉटर। कि आप वॉटर है वो लाने के लिए कहीं बाहर जाते हो घर से, और जाते हो तो आपको कितना टाइम लग जाता है, तो आपको घर से तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो जो हमारा फोर्थ स्टार है उसका आंसर क्या आएगा, नो, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है पानी की, ठीक है। आगे है बेटा, जो हमारा फिफ्थ स्टार है, डू योर नेबर्स ब्रिंग वॉटर फ्रॉम द सेम प्लेस। क्या आपके नेबर्स भी सेम प्लेस से वॉटर लाते हैं, यानी कि वो तो घर से ही लाते हैं ना, ठीक है, घर से ही रहता है, वो बाहर से लाते ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। फिफ्थ स्टार का आंसर था बेटा। आगे बेटा सिक्स स्टार देखिए, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वॉटर। हमें वॉटर को स्टोर करने की जरूरत क्यों होती है, क्यों होती है बेटा, बिकॉज द वॉटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू द डे। अब सिक्स जो स्टार है उसका आंसर लिख रहा हूं बेटा, देखना आप। इसने कहा है बेटा, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वॉटर, कि वॉटर को स्टोर करने की जरूरत क्यों होती है, तो क्यों होती है बेटा, स्टार नंबर सिक्स है ना ये, हाँ, बिकॉज वॉटर माइट नॉट बी सप्लाइड, सप्लाइड का मतलब सप्लाई देना, सप्लाइड थ्रू आउट द डे। क्या आप देख पा रहे हो बच्चे, ठीक है, कि जो पानी है वो हमारे घर में यानी कि नल रोजाना नहीं आता, ठीक है, इस कारण हमें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। आगे सेवंथ देखो बेटा, दो स्टार रहे हैं, सेवंथ वाला स्टार देखो, हु फेच एंड स्टोर वॉटर इन योर हाउस। आपके हाउस में कौन जो पानी है जो लाता है या भरता है, कौन लाता है बेटा, कौन भरता है, आवर पेरेंट्स। लास्ट स्टार है बेटा, आर देयर सर्टन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वॉटर फ्रॉम देयर। कि कोई ऐसा जो पीपल है जो आपको पानी लाने से रोकता है, कोई नहीं, क्योंकि हमें तो घर से ही मिल जाता है, तो आंसर इज नो। ये पेज नंबर 21 की कहानी थी। तो सो आज हमने पेज नंबर 20 और 21 कंप्लीट किया है, आप अच्छे से समझिए, बुक साथ में ओपन करके रखिए ताकि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, और अच्छे से इसको देखिए और समझिए और कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।